सो बंद आंखों से अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें बंद आंखों के साथ आप पूरे कर पाएंगे? शायद मुश्किल हो, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. सो जस्ट टू फिगर आउट वेदर यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स विथ योर आईज वाइड शट, वी हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू टुडे. आपके टेबल्स पे देख ही रहे हो, आज माहौल कुछ अलग है. देर आर दीज ब्लैक शीट्स इन फ्रंट ऑफ यू, देर आर दीज पेंस एंड कलर्स इन फ्रंट ऑफ यू. आज आपके सामने एक छोटा सा टास्क है जो आप सबको उसमें शामिल होना है, बिकॉज द बार विल नॉट ओपन फॉर एनी वन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस. सो दोस्तों, आई नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. लेट्स गेट डाउन, लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी. एंड आपको सिर्फ आपकी आंखें बंद करके, विद द ब्लाइंड फोल्ड्स दैट यू सी एट ईच ऑफ योर टेबल्स, आपको आंखें बंद करके उन कलर्स के साथ एक ऐसी तस्वीर बनानी है उस ब्लैक शीट पर जो सिर्फ आप ही बना पाएंगे. इट हैज टू बी समथिंग एक्सट्रीमली पर्सनल एंड यूनिक टू यू. देर इज नो थीम, देर इज नो कंपल्शन टू मेक एनी पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर. इट कैन बी एनीथिंग इन योर माइंड, जो आप आपके मन की आंखों से विजुलाइज करें. दैट्स वॉट वी वॉन्ट यू ऑल टू पुट डाउन ऑन द शीट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई थिंक द पी आर टीम ऑफ जी टी वी शुड फैन आउट एंड गो टू ईच टेबल एंड हेल्प यू गाइज गेट स्टार्टेड, बिकॉज दैट्स द फन वी गोना हैव इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. दिस इज अ 5 मिनट एक्सरसाइज. ट्रस्ट मी, इफ यू ऑल गेट डाउन टू इट, दिस इज नॉट गोना टेक यू एनीथिंग मोर देन 5 मिनट्स. सो आपने देख ली आपकी मन की तस्वीरें. हाउ डू यू ऑल फील अबाउट इट? आर यू ऑल हैप्पी विद व्हाट यू ऑल क्रिएटेड? इट्स प्रॉबली नॉट वेरी इजी टू डू दिस, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव योर विजन, समटाइम्स योर विजन, द अदर विजन सफर्स अ लिटल, बट यू डोंट नीड टू लूज साइट ऑफ इट. एंड इफ यू स्टे ट्रू टू योर इनर विजन, यू कैन अचीव द काइंड ऑफ creativity that you're gunning for. So, dosto, this marks the beginning of a social media campaign that ZTV intends to put out called #DilUnstoppable. So, guys, what you all have been a part of today is the mere beginning of a social media campaign that ZTV is doing to promote this show. Guys, aap logon ne jaise beautiful क्रिएशंस करने की कोशिश की है, नेक्स्ट अप फॉर अस इज अनदर आर्टिस्ट हु इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, इवन दो शी मे सिमिलरली नॉट बी एबल टू सी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर काजल, द हीरोइन ऑफ द शो. अब तक आप सबने महसूस कर लिया होगा कि बंद आंखों के साथ कुछ करना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं. तो मैं भी चल पड़ी हूं कुछ ऐसा ट्राई करने, कुछ क्रिएट करने जो बहुत ही सही हो और कलरफुल हो, जैसे आपकी तस्वीरें आपने क्रिएट की अभी. हाँ, कुछ ही दिनों में मेरी आंखों की रोशनी जाने वाली है, पर मेरा एक दावा है, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो सपनों की बहुत जरूरत होती है, और जब सपने बंद आंखों के साथ देखे जा सकते हैं तो आंखों के बिना पूरे भी किए जा सकते हैं. आइए देखिए मेरी कहानी की एक छोटी सी झलक. फ्रेंड्स, अ वेरी टचिंग शो कमिंग योर वे क्लियरली, बट बिफोर वी गेट टू द शो देयर इज समथिंग वेरी टचिंग व्हिच इज आल्सो कमिंग योर वे दिस इवनिंग. एज काजल जॉइंस a group of extremely talented visually impaired kids and puts a beautiful act together with her eyes closed. So friends, give it up for Kajal. Lights off please.
Guys, that calls for a much louder round of applause, guys. Come on. It's an act that gave us goosebumps. The only thing that one needs to say about this is if they can do it, if they can dream, and they can have the zid to go after that dream, nothing should justify any of us in the room stopping. Yep. With that, I'd like to call the cast of the show. Rochak, Anshuman, if you could please just join us, and the handsome producers of the show. Extremely talented girls for their beautiful performance, and I request you all to please take your seat in the audience. Karan, Viraj, please join us at the podium, perhaps. If you could tell us a little bit about how did the idea really come about, and introduce your cast as well while you're at it. This is now switched on, yes. So I was a little nervous to come on stage, to be honest, but when I saw this happen right now, the nervousness just completely went off. So I must say that it's very inspiring to see this, and I think thank you, Anuj, for, you know, taking us through all of this. So firstly, this is our first collaboration with Z, and we are very, very excited to be collaborating with a platform, with a channel that is you know, supporting such content which is different, and it's also very socially relevant. So we must say that, and must thank Z for being so supportive in doing all of this. The concept actually is our creative producer Nitin Mali, who's sitting right there in front of me, who is work day in and day out, you know, till today, and is of course going to be doing it tomorrow, day after, and throughout, to make this beautiful show come to life. It was just a very small idea that, you know, we all discussed long time ago, and how it evolved into becoming such a relevant subject it's really brilliant how the story has evolved. I really hope all of you enjoy watching this show, because it's very, very special. Kajal, who is standing right there, and has just amazed us by her beautiful performance. She's done a brilliant job in the show, and you know, you all are going to enjoy her performance. I hope you all do, and I'm sure you all will. Sapne aankhon ke bina dekhe ja sakte hain, lekin pure bhi ho sakte hain, aur ye aapko show dekh kar hi pata chalega. Jo I'm sure aap sabke sapne hain, hai ki nahi? Sabke sapne hain ya nahi hai? Koi reply nahi kar raha.
सबके सपने हैं, राइट? और आंखें हो या फिर ना हो, या सर्कमस्टांसेस सबकी अलग अलग होती हैं, और वो सब सर्कमस्टांसेस को हटा के अगर हम देखा जाए, वो सपना पूरा करना व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. और वो हमारे शो में ज़रूर जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको दिखेगा. आई'ड लाइक टू थैंक वीरू सर हुज़ डन अ ग्रेट जॉब विद द स्टोरी. वो पढ़ते पढ़ते एक्चुअली आंसू नहीं आते, एक्चुअली होप आती है. यू नो, लोगों को लगता होगा कि ये ऐसा शो है कि आंसू निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं. ये ऐसा शो है जो देख के लगेगा, यार अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड टू बक अप इन लाइफ. एंड शशांक सर हुज शॉट इट सो वेल, एंड निशांक हुज आर DOP हुज ऑल्सो शॉट इट वेरी वेल, एंड ऑफकोर्स शेफाली बोलना पड़ेगा जो मतलब हमारे एडिट से सीधा आई हैं इधर, एंड रेस्ट ऑफ द कास्ट, ऑल ऑफ देम. या we'd now like to have a little bit of a conversation with our cast. Let me start with talking about Rohit. Who better than the producers to talk about? So he's the dashing youngster who is, you know, who's going to, all the girls are going to be looking at him, and I hope all of you are going to be excited. And our tumko yahan se bhi nahi sunai de raha. Acha tareef sunai nahi de rahi. और हमारी जो काजल है उसके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आई एम श्योर आपने सारी परफॉर्मेंस देख के यू ऑलरेडी नो हाउ गुड शी इज़ एंड द प्रॉमिस शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग ऑन द शो. एंड रोचक हु इज़ एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, ही इज़ गोइंग टू चार्म एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज जस्ट लुक इन टू हिज आईज व्हेन यू वॉच द शो एंड यू विल नो इट ऑल. काजल के बारे में कुछ नहीं कहा. काजल तो अपनी मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल है, कुछ ज्यादा ही स्पेशल है. अभी क्या बोले. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम द कास्ट. लेट्स हियर फ्रॉम रोहित, लेट्स हियर इट फ्रॉम मेघा एंड शोएब. व्हाट इज इट दैट अट्रैक्टेड यू ऑल टू योर रिस्पेक्टिव रोल्स? लेट्स स्टार्ट विद रोहित. हाय गाइस. हाय. ओके, तो सबसे पहली चीज़, जब मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन किया था, एंड आई जेन्युइनली रियली लाइक द पार्ट, एंड इट्स लाइक इट्स अ नेवर सीन बिफोर कंटेंट, अभी तक कहीं देखा नहीं गया. एंड जो मेरा कैरेक्टर, जो मुझे ब्रीफिंग मिली थी, वाज एग्जैक्टली लाइक मी, जैसा मैं हूँ रियल लाइफ में. इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, इतना फोकस नहीं हूँ, लेकिन कैरेक्टर को प्ले करते करते आई एम श्योर हो जाऊँगा. एंड तो बिकॉज पूरी स्टोरी जो थी, काजल का कैरेक्टर, जो रोचक का कैरेक्टर था, सब कुछ ऑल इन ऑल इट वाज जस्ट अमेजिंग. सो इट जस्ट ग्रैब्ड माय अटेंशन, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड दैट दे चोज मी फॉर द पार्ट. एंड या आई वुड रियली वर्क हार्ड नाउ. आई एम जेन्युइनली वर्किंग हार्ड एंड फोकस्ड. थैंक्स. ऑल द बेस्ट रोहित. मेघा, आपसे सुनते हैं काजल के बारे में. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर रोल. व्हाट मेड यू? You used to be an engineer before this. Right. And a blogger. Right. Acting kaise hua? So, since childhood I've been into academics. मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छा करती थी और मैं डांसर थी, तो मैं दोनों बैलेंस करती थी, पढ़ाई एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो दैट्स हाउ आई ग्रू अप. माय एंटायर स्कूलिंग वॉज आई वॉज कमिंग फर्स्ट इन स्कूल एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग वेल इन डांसिंग. आई डिड माय मास्टर्स इन भरतनाट्यम. माई performed with Shamak Davar and all of that. And as I grew up, I always wanted to educate myself. That was my priority. I wanted to complete my education. So since science was my inclination, I became an engineer eventually. But again, because I had an injury in between, so I had to take a break from dancing. So that was a few years that I didn't dance at all. But there was this hollow. मुझे कुछ तो खाली सा लग रहा था कि कुछ तो और करना ही पड़ेगा, अब डांस नहीं कर पा रही हूँ. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. मैंने ऑलरेडी, मुझे एक जॉब मिल गया था कैंपस प्लेसमेंट पे, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की अराउंड माय फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दैट वेंट रियली वेल. थ्री एंड अ हाफ ईयर्स आई थिंक टिल नाउ आई वॉज ब्लॉगिंग. बट व्हाइल आई वॉज डूइंग माई जॉब, आई रियलाइज दैट दिस 9-to-5 थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी. I wanted to get back to my... to get 9-to-9. Yeah, I want to get back to 9-to-9. But I realized that I wanted to become a full-time actor. And that's how I started. काजल से क्या
what made you take on this role? This role, yeah. So I was, to be honest, not very keen on doing television initially. I was only auditioning for web series and ads. I just wanted to start gradually. But when I got called for this audition and I read the character's description, it was so fresh and there was something so optimistic about the character that I got attracted instantly. I didn't even think twice. I said, yes, I'm coming to audition for this character. And I think that was one of my best decisions ever. And, truly. So it's just a beautiful character. It's so unlike usual television series that we watch. It's so fresh, it's new, and I really get attracted to stories that have meaning, to anything that has meaning. I think as humans, we always derive meaning from things, and this is a beautiful story. And it's not just about a girl who's going blind. It can be relatable to anybody, because any time in life, anything can go wrong. And how do you fight back and, you know, get determined to achieve all your dreams? Is that beautiful journey, and I'm so glad to be a part of this. Well said, Megha. Shoaib, aap se sunte hai. Rochak is a very different character, right? What is it that attracted you to the role? Very firstly, मैं रोचक जैसा बिल्कुल नहीं. मेरी पर्सनल लाइफ में आई एम वेरी क्वाइट, काम, अ गुड लिसनर. एंड रोचक ऐसा है कि वो किसी को भी मुंह पे कुछ भी बोल देता है, एंड उसका अपना ही तरीका है ज़िंदगी जीने का, बिकॉज ही इज़ अ राइटर टू. एंड तो पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे कुछ अलग करने को मिल रहा था. आई वॉज अबाउट टू डिस्कवर समथिंग अबाउट मी माई सेल्फ, दैट हाउ विल शोएब बी इफ इज़ रोचक. तो दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स द कैरेक्टर. एंड फिर उसको प्ले करने में एंड उसकी चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आया कि हाउ विल ही स्टैंड, वो कैसे घड़ी पकड़ेगा, क्या करेगा. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. ही हैज़ एन इनक्रेडिबल सेंस ऑफ ह्यूमर. या तो जो पर्सनल लाइफ में नहीं है. तो जब रोचक के कैरेक्टर में आता हूँ या वो जब स्क्रिप्ट मिलती है एंड जब शशांक सर डायरेक्ट करते हैं, तो वो कुछ अलग ही, you know, it it's creates a different something magic. Different magic, the way he works. Great. And so the this character was this how it was interesting to me. And the story, the very first thing is story ke jaisa ki Karan sir ne bataya ki it's not only that you'll cry that someone is going blind or this or that, it'll give you hope, it'll inspire you. So Kajal is not coming to, you know, only just for like normal soaps like you are crying sitting, but this will give hope not only to girls, to kids, to of any age. Okay, ke maine mere personally aise bahut dost the jab hum bhi main bhi Mumbai aaya tha, to it was a tough journey, it was not easy. To kaafi log quit kar gaye and chale gaye. To this thing can actually give hope to those kind of people who are about to quit or ya jo quit kar chuke life mein, that yaar come on, jaise hum dekh sakte hain aur dekhne ke baad agar koi blind hota hai to we can understand how it is. इट इज़ लाइक यू नो, किसी ने आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, बाहर नहीं जा सकते कभी. एंड सो जब ऐसा किसी के साथ होता है, स्टिल शी इज सो मच यू नो मोटिवेटेड टूवर्ड्स लाइफ, दैट वो शील डू वंडर्स इन अ लाइफ. तो ये किसी को भी होप दे सकता है. तो दिस वॉज द थिंग विच अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स द स्टोरी एंड दैट कैरेक्टर के लिए. तो इट वॉज दिस. सो दिस इज हाउ आई वॉज. थैंक यू शो. यू वेलकम गाइज. वी नाउ मूव इनटू द Q&A. And can we please have the chairs back up on stage so that we can. You've done that. You've done that. Yeah. Sit down. Thank you. I request the events team to please pass on the mics across the audience. Please raise your hands so that we know that you have a question. We'll pass on the mic to you. Rajendra ji, I can see. Hello. Inder Mohan ji, in a bit. Awaaz aa rahi hai aapko? Hello. मेगा, yes. किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी? I'm sorry, I can't see you. Yeah.
ओके किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती, क्योंकि ये अलग सा रोल है, एकदम ही डिफरेंट है. और फिल्में तो बहुत हमने देखी है, सीरियल के अंदर और सीरियल का एक्टिंग, सीरियल के अंदर जो है बहुत फास्ट काम होता है, तो आपको किस तरह से खुद को तैयार करना पड़ा था? जी, तो काजल जो है शुरू से शी इज़ नॉट लॉस्ट हर आईसाइट. वो एक बहुत ही बबली खुश लड़की है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा फोकस नहीं है कि यही प्लान है यही करना है, ऐसा कुछ उसने सोचा नहीं है. तो वो जो मन में आता है वो करती है, ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है वहाँ चलती जाती है. लेकिन मेरे लिए वो पार्ट भी ज़रा सा मुश्किल था, बिकॉज़ एज़ मेघा आई एम नॉट दैट एनर्जेटिक एंड loud and you know bubbly by nature, so to find that energy was also difficult for me initially. So I was preparing, whenever I have to feel happy I decided I have to take it up a notch, I have to be happier. So even those smallest emotions I have to, I wouldn't say exaggerate, but feel it more, because I think in real life also hum jeete nahi hai khulkar, agar khushi ho to bhi खुल के खुश नहीं होते हैं, सब दब जाता है कहीं ना कहीं. तो काजल ऐसी है कि वो फ्री है, उसे कोई बंधन नहीं है, वो फ्री है. तो इवन दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग फॉर मी इनिशियली. तो पहले उस पर वर्क किया. तो अभी शो में फिलहाल शी इज़ नॉट लॉस्ट हर आईसाइट, इट्स डेवलपिंग. बट हैविंग सेड दैट प्लान्स है आगे. मैं बीच बीच में कभी कभी मैं ऐसे एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ कि आँखें बंद करके कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की, तो एकदम से पैनिक फील हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है. जो चीज़ें हमें बचपन से पता है वो भी ठीक से समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी बात है नहीं देख पाना. डांस करोगे आंखें बंद करके बैलेंस चली जाती है, बहुत कुछ होता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें रजिस्टर करके उसे इनकॉर्पोरेट करना, इट्स अ डेली एक्सरसाइज. मैं अभी भी शुरू ही है, वो मैं सोचती रहती हूँ बीच बीच में. एंड हैव यू ट्राइड ब्रेल लैंग्वेज एज़ वेल? सॉरी, ब्रेल लिपि? अभी वो जोन में तो गया नहीं है, नॉट बिकॉज इट्स अ वेरी, वेन एवर अ पर्सन लूजेज आई साइट इट्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें भी सेंस कर पाना, वो स्टिक यूज़ करना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, उसमें भी बहुत प्रैक्टिस लगती है. तो वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली वी आर टेकिंग इट स्लोली. यस, सो हेलो रोहित, मेरा सवाल आपसे ये है. सत श्री अकाल पाजी. सत श्री अकाल जी. अक्सर देखा गया है कि बिना आँखों के बड़ी बड़ी पोस्टों में हर फील्ड में लोग पहुँच चुके हैं, तो आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करें, क्या प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं, क्या क्या मतलब तैयारियां हैं आगे के लिए, फर्दर आप क्या चैलेंजेस? ओके, मेरा पर्सनली जो कैरेक्टर है वो एक डांसर प्ले कर रहा है. ही लव्स टू डांस, नॉट इन रियल लाइफ, बट सीरियल में जो शो कर रहे हैं हम, जो मेरा कैरेक्टर है उसको डांस बहुत पसंद है, ये मुझे बोला गया जब मैं सिलेक्ट हो गया उसके बाद. तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे डांस करना पड़ेगा, तो मैंने उस दिन के बाद से डांस क्लास ज्वाइन किया है. एंड आई एम जस्ट एवरी डे आफ्टर माई वर्कआउट आई गो फॉर माई डांस क्लास वहीं पे जिम में. एंड मेहनत हर एक फील्ड में, आपके फील्ड में, हमारे फील्ड में, हर एक फील्ड में मेहनत है. एंड इफ यू वन बी ऑन द टॉप तो आपको मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी. एंड इट्स माई कैरेक्टर सेज, पर्टिकुलरली सेज कि यू हैव टू वर्क हार्ड, देर इज नो गोइंग बैक, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू नो योर गोल, आपको अपना गोल पता है लाइफ में, और कुछ भी करना है क्विट करने के अलावा सारे ऑप्शन अपना लेने हैं. एंड बस क्विट नहीं करना है और अपने गोल तक पहुँचना है. एंड मैं वही करता आया हूँ अभी तक. एंड या दैट्स इट. या हेलो 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 हाय यो यो. मेरा सवाल आप सभी से है, जो भी आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, कि अभी शोज जो बनते हैं मेन, उसमें जो टारगेट होता है कि जैसे अभी यहाँ पे दिखाया है कि हीरोइन की आंखें चली जाएगी, हीरो की क्यों नहीं जाती है, इसका भी रीज़न मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ, हीरो की आंखें क्यों नहीं जाती है, हीरो के जागे, हीरो की आंखें क्यों नहीं जाती शोज में, या जो भी चीज़ें होती है तो वुमेन को ही लेकर के बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, कि ऑडियंस जल्दी कनेक्ट होगी कि लड़की की आंखें गई तो फिर वो ये चीज़ें अचीव कर रही है, लड़के की क्यों नहीं जा सकती है, लड़कों पर क्यों नहीं बेस्ड होकर बनाया जा सकता है? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस पर. हाँ यार, लड़कों की भी जानी चाहिए आंखें यार. लेकिन अब यार आंखें लड़के की जाए या लड़की की, आंखें गई हैं यार, लेकिन आंखें जाने के बाद भी कोई बंदा इतना फोकस्ड है, इतना सिर्फ हमें इससे ये नहीं कि उसकी आंखें गई उसकी आंखें गई, वो बंदा आंखें जाने के बाद इतना फोकस्ड है, इतना ड्रिवन है लाइफ में कि जो उसको गोल है, जो अचीव करना है, जो सपने हैं वो अचीव करके रहेगा. तो यार आंखें होने के बाद भी लोग अपने सपनों तक नहीं पहुँच पाते यार.
अच्छा एक मूवी भी आई थी लफंगे परिंदे, लफंगे परिंदे हाँ, तो दीपिका पादुकोण की, उसमें भी उनकी भी आंखें चली जाती है। दीपिका की सिर्फ वही फिल्म है जो मैंने नहीं देखी है, बाकी सारी फिल्म्स देखी। तो उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मतलब ये शो वहाँ से कहीं कुछ लिया गया है चीज़ें नहीं नहीं अडॉप्ट की गई? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। एंड हमारी मेगा रे ने दीपिका से भी अच्छी एक्टिंग करी है इस शो में। नो आई डिडंट से दैट, मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे पूरा फेथ है, कॉन्फिडेंस है इनमें, इन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हेलो हेलो हेलो, मेरा सवाल मेगा से है, टाइटल के बारे में कुछ बताएंगे, दिल है जिंदगी? जी जी या, तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि काजल बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत जोश है उसमें, खुल के जीती है, कुछ इतना सोचती नहीं है, प्लान नहीं करती कि ये करना है वो करना है, जैसा दिल किया वैसे ही करती चली गई। तो वो बहुत कुछ करती है, मल्टी टैलेंटेड है, वो ड्राइंग भी कर लेती है, थोड़ा पॉकेट मनी कमाने का मन किया तो फोर्ट पर जाके गाइड बन जाती है, टूर गाइड बन जाती है, टूरिस्ट को घुमा फिरा कर थोड़े पैसे कमा लेती है, मॉम को बेकरी में हेल्प भी करती है, और डांसर भी है, और जब भी मन में जो कुछ प्लान नहीं होता, जब कुछ बताया कि ये करना है और अगर दिल उस पर आ गया तो पूरी जान लगा कर वो कर लेती है। तो बेसिकली बहुत डिटर्मिंड है, ऑप्टिमिस्टिक है, पैशनेट है जो भी करती है उस चीज़ के बारे में, पर फोकस की थोड़ी कमी है, मस्ती खोर सी है, थोड़ी पागल सी है, बट दिल की अच्छी है, जिद्दी है। हेलो मेरा सवाल प्रोड्यूसर से है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले तो उनको कॉन्ग्रेट्स, इतना अच्छा आइडिया डेवलप किया उन्होंने, मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है। ये टोटली आपने जो आइडिया उठाया है आँखों की रोशनी जाना, मतलब ये टोटली बेस्ड कमर्शलाइज है या आप उन लोगों के लिए भी कुछ करोगे जिनकी ऑलरेडी आँखें नहीं, या कुछ उनके लिए ऐसा ज़िंदगी में हादसे हो जाते हैं उनकी आँखें चली जाती हैं? सॉरी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप फिर से। मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आपका जो आइडिया है ये टोटली कमर्शलाइजेशन है कि आपने पैसे कमाने हैं? ये देखो, हाँ हाँ हाँ, तो ये टोटली कमर्शलाइज बेस्ड है कि पैसे कमाने के लिए है, या ऐसा आइडिया है कि आप कुछ ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ करोगे जिनकी आंखें नहीं है? ये आइडिया जो है ये बिल्कुल ऐसा कुछ यू नो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये आइडिया है कि हमें अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बताना है कि जो भी सपना देखता है आँखों या आँखों के बिना देख सकते हैं। इसमें कुछ पैसों का तो मतलब सवाल ही नहीं है, दिस इज ओनली अबाउट टीचिंग पीपल हाउ टू ड्रीम, दैट्स द आइडिया। ओनली कार सेवा? सॉरी, मैं क्या, कार सेवा? कार सेवा होता है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस? अरे हम प्रोडक्शन के बिजनेस में हैं, यहाँ पे हम सोशल सर्विस की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो इसके लिए आप ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ करेंगे इन फ्यूचर में जाके? जब प्रॉफिट होगा तब आप आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। शोएब, दिस साइड शोएब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे मेघा ने इंजीनियरिंग छोड़ी, उसके बाद वो एक्टिंग में आई, क्या आपने भी पहले कभी कुछ और बनने की सोची थी उसके बाद आप एक्टिंग में आए? बिल्कुल सही सवाल किया आपने, बहुत लंबी स्टोरी है बट शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए कि सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी मेरे एज एन आर्टिस्ट, मुझे आर्ट के अलावा कुछ आता नहीं है सीरियसली, तो डांसिंग से शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद डांसिंग। 3 साल मैंने डांसिंग किया, परफॉर्म किया बहुत जगह, फिर डांसिंग से आई स्विच टू सिंगिंग। सिंगिंग वॉज समथिंग विच आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू, आई लर्न, आई परफॉर्म विद मैनी रॉक बैंड्स एंड आई डिड परफॉर्म ऑन चैनल्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद में आई वॉज लाइक आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मैं खुश नहीं था जो मैं कर रहा था, मुझे करना है आर्ट में ही कुछ, बट मुझे समझ भी नहीं आता। मीन वाइल वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि थिएटर में प्लेज वगैरह करते थे, उन्होंने अपने एक वो एक प्ले कर रहा था, तो उसने मुझे बुलाया कि आके रिहर्सल्स देखो, तो आई वेंट देयर, मैंने रिहर्सल्स देखी। तो रिहर्सल्स देखते वक्त आई डोंट नो वाई, बट जैसे सब लोग इमोशंस, दे वर प्लेइंग विद इमोशंस, नहीं है उनको रोना नहीं है, बट इमोशंस सब हो रहा है वहाँ पर, तो आई वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट थिंग। तो मैंने उनसे, जो डायरेक्टर थे उनसे पूछा कैन आई एक्ट, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं एक्टिंग से अभी तुम बहुत दूर हो। तो उन्होंने कहा कि आप बैक स्टेज कर सकते हो, तो मैंने बैक स्टेज किया उनके साथ। आफ्टर डूइंग दैट बैक स्टेज, एक ऐसा वहाँ से निकलने के बाद, वो प्ले देखने के बाद, कोई एक चीज़ थी जो मैं वहाँ से साथ में लेके निकला था, सो दैट वॉज समथिंग दैट आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सो स्टार्ट विद डांसिंग, सिंगिंग, देन दिस वॉज अ थिंग,
विच आई वॉज ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. एंड उन दोनों चीज़ों ने, डांसिंग एंड सिंगिंग ने, मुझे एक्टिंग में बहुत सपोर्ट किया. तो दिस इज व्हाट आई डिड. हेलो, मेरा सवाल प्रोड्यूसर से है, दोनों प्रोड्यूसर से. सर यहाँ पर जी, सर ये आपको इस स्क्रिप्ट पे आप पे भरोसा नहीं था क्या, इस जो आपने दोनों हीरो को आपकी जगह ले ली? सर आप भी हीरो से कम नहीं लगते, बोला दोनों आप पे भरोसा नहीं था कि आपने दोनों उनको क्या उनका सपना पूरा करना था? अभी भी ऑनलाइन है पर सर हम इन लोगों के जैसे एक्ट नहीं कर सकते ना, तो वो थोड़ा वो है, एक्टिंग आनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है. हेलो, माय क्वेश्चन टू प्रोड्यूसर्स, क्या इसमें नेत्रदान का भी मैसेज दिया जाएगा? सॉरी, विल इट कन्वे द मैसेज ऑफ नेत्रदान, आई डोनेशंस? उस बारे में हमने अभी कुछ सोचा नहीं है, बट थैंक यू फॉर द सजेशन इन एनी केस. थैंक यू. Yeah. Do we have any further questions, guys? Yes, yes. ये मेरा सवाल मेघा से है, ब्लॉगर मेघा से कलाकार काजल तक का सफर, इसमें कौन सा चैप्टर आसान है? सॉरी, उसमें कौन सा चैप्टर आसान लगा आपको? चैप्टर आसान लगा, देखो हर एक जर्नी का एक अपना खासियत होता है. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन यू नो गिविंग माई 100% इन वॉट एवर आई डू. सो ऐसा कभी भी मुझे कुछ भी आसान पसंद नहीं है. सम हाउ आई जस्ट लाइक थिंग्स वैन दे आर डिफिकल्ट, सो विच इज आई डोंट नो वियर्ड, देन आई क्राई ओ नो दुख रहा है ये वो हो रहा है, बट देन इट्स देयर्स अ ब्यूटी इन डूइंग थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट बिकॉज वी ग्रो. हम चीज़ें आसान चीज़ें करते रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहाँ हैं. तो जो भी काम किया है, ब्लॉगिंग हो या इंजीनियरिंग हो या एक्टिंग हो, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100%, क्योंकि वो जर्नी ही सबसे ब्यूटीफुल होती है. इतना आउटकम का मुझे कोई वो नहीं है, मैं सोचती नहीं हूँ कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इफ़ आई एम नॉट एन्जॉइंग वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, इफ़ आई एम नॉट गिविंग माई कम्प्लीट माई 100%, देन इट्स नॉट सेटिस्फाइंग. सो इवन इफ इन अ सीन इफ आई फील दैट मेरा 100% छूट गया है, या मैं कुछ भी काम करती हूँ मेरा थोड़ा बहुत छूट गया, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. सो आई एम मोस्टली डिससेटिस्फाइड विथ माई वर्क, बट दैट्स द थिंग. आई थिंक हार्ड वर्क डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, आप जो भी काम कर रहे हो पूरे मेहनत से करना चाहिए, तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फॉलो. मेरा सवाल राइटर माली जी से है. माली सर, हाँ सर, सवाल ये है कि सर ये जो आपने यू केम अप विद दिस आइडिया, जो स्टोरी लाइन है, इट्स कैन यू इसके बारे में आप कुछ बता सकते कि आपको कैसे ये आइडिया आई और क्यों बनाना चाहते हैं इस? सी एक्चुअली ना, एक लाइन हमेशा दिमाग में है ना, जो होती है कि जब मैं रोज़ एक नया सपना देख सकता हूँ, तो जब मैं रोज़ एक नया सपना देख सकता हूँ तो एक ही क्यों देखूँ, ये कहीं ना कहीं दिमाग में चलता था कुछ टाइम पहले. और इसी से फिर एक आया कि यार एक ऐसी लड़की की कहानी है जो राइट नाउ तो एमलेस है ना, जो हम पर्सनल लाइफ में भी करते हैं कि मुझे कभी ये करना है, जैसे काजल ने भी बोला है, शोहेब ने भी बोला है कि मैं पहले ये करना चाहता था, फिर वो करते करते वो जर्नी होती है. तो आई बिलीव कि रादर देन द डेस्टिनी, द जर्नी शुड बी इम्पॉर्टेंट, यू नो दैट इज़ द जर्नी शुड बी वेरी ब्यूटिफुल. सो किसी भी किरदार की या किसी भी स्टोरी की या किसी भी यू नो लाइफ में भी होता है कि आपकी अगर जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी तो आपकी कहानी अच्छी बनती है. तो इसी को चलते हुए ये दिमाग में आया और ये हमने कहानी लिखना शुरू कर दी. तो डिजीज़ तो बेसिकली ये था कि जब हमने शुरुआत की तो एक ये पहले सबसे पहले थॉट ये आया कि आंखें चली जाएगी, मतलब अगर मैं ये सोचूं कि आज अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना, मतलब ये सोच के ही मुझे हमेशा लगता है कि आज अगर मुझे पता चल जाएगा कि एक साल बाद मेरी आँखें चले जाने वाली है तो क्या होगा. तो यही तो डिजीज़, तो फिर तो हमने रिसर्च करने के बाद हमको एक स्टोरी में एक एंगल मिला, उसके हिसाब से हमने उस डिजीज़ को एक्सप्लोर किया. हेलो, थैंक यू. आप सभी युवा हैं और आज के दौर में युवा जब पढ़ाई करते हैं, अपन मेडिकल या इंजीनियरिंग की बात करें, मेगा खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उनको भी पता होगा अपने देश में इंजीनियरिंग की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं या मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट अपना जिद या धैर्य क्यों खो देते हैं,
जो उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। आज के दौर में अगर आपके जैसे मजबूती की बात करें, जैसा आप इस सीरियल में दिखाना चाह रहे हो, वैसी मजबूती आए तो आज युवा जो हैं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जो भी लक्ष्य हैं उनका, और वो आत्महत्या के कगार पे क्यों पहुंच जाते हैं? इट्स सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है इमेजिन करना भी कि खुद की जान लेना, आई थिंक इट टेक्स अ लेवल ऑफ डिप्रेशन और गिविंग अप ऑन लाइफ। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन कि क्या बीती होगी किसी इंसान पर कि वो इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, आई थिंक इवन मैंने एक्टर्स भी कितने जगहों पर हमने सुना है कि वो प्रेशर जो बन जाता है सोसाइटी में, एक वो बन गया ना परफेक्शन के अलावा और कुछ चलेगा ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और सोसाइटी कहे या खुद से भी लोग प्रेशर ले लेते हैं अपने आप पर भी, कभी फैमिली का प्रेशर होता है, कभी दोस्तों का पीयर प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है। आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स वी कैन ओनली हैव मोर एम्पथी फॉर ईच अदर, लिसन। हम लोग आजकल इतने रश में रहते हैं, जीते भी नहीं है ठीक ढंग से, अपने ही सपनों में अपने ही इसमें खोए हुए, बाजू वाला क्या बोल रहा है नहीं सुनते हैं ध्यान से। सो एज इंडिविजुअल्स आई थिंक, आई डोंट नो, आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी एल्स, बट एज इंडिविजुअल्स वी कैन बी मोर एम्पेथेटिक, वी कैन लिसन। कोई अपनी तकलीफ शेयर कर रहा है तो सुन लो, एडवाइस देने की घाई मत करो, सुन लो क्या कहना चाहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। लैक ऑफ एम्पेथी एंड जितने बिजी होते जा रहे हैं लोग दिन पर दिन, आई थिंक द डिस्टेंस बिटवीन पीपल इज इंक्रीजिंग, पीपल आर गेटिंग मोर लोनली, सो देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट लीड टू सुसाइड, सो इट्स अ वेरी वास्ट एंड सेंसिटिव थिंग टू कॉमेंट ऑन, बट आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एम्पथी। आपने खुद जब इंजीनियरिंग की तैयारी करी थी, आपके सामने भी ऐसी कोई डिप्रेशन की स्थिति आई थी? I'm sorry, I didn't catch. आपने जब इंजीनियरिंग की स्टडी तैयारी करी थी उस टाइम पे आपके सामने भी ये स्थिति आई थी क्या जो आप बता रहे हो? नहीं, आई हैव बीन लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स एंड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। टफ टाइम्स तो यार सबकी लाइफ में आती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो आती रहती है, सो डिप्रेशन तो मैं नहीं कह पाऊंगी, पर आई लाइक आई सेड लाइक चैलेंजेस, तो मुझे चैलेंजेस और भी ज़्यादा हाँ वो पुश करती है टू ट्राई बेटर एंड गेट बेटर एट इट, मैं रुक नहीं पाती हूँ, दिल जिद्दी है। हेलो, मेरा क्वेश्चन मेघा के लिए है। जी मेघा, जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि देखो बहुत ज़िद्दी है, सुनता नहीं है, तो जो ज़िद्दी या ज़िद शब्द है आमतौर पर ये नेगेटिव साउंड करता है, यानी बच्चे की कमी को या नाराज, जो मतलब माँ बाप नाराज़ हैं बच्चे से, वो उस नाराज़गी को दिखाता है कि सुनता नहीं है, बहुत ज़िद्दी है। ये स्टोरी में हम देख रहे हैं जो ज़िद है वो एक बहुत ही पॉजिटिव साउंड कर रहा है जी। तो आप इस शब्द को कैसे देखती हैं, नेगेटिव देखती हैं, पॉजिटिव देखती हैं, या जो इस दोनों के बीच की लकीर है, कहाँ वो नेगेटिव हो जाता है, कहाँ वो पॉजिटिव हो जाता है? हमें एक आदत है चीज़ों को कैटेगराइज़ करने का नेगेटिव पॉजिटिव में, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो एक ग्रे जोन में रहता है, हम उन्हें कैटेगराइज़ नहीं कर सकते। तो ज़िद ऐसा है कि जब मैंने भी पहले एक्टिंग की ज़िद पकड़ी थी, माय पेरेंट्स वर सरप्राइज लाइक क्यों, मतलब अच्छा खासा इंजीनियर हो, ये वो जॉब है, पर एक वो चीज़ होती है, पेरेंट्स का कंसर्न अलग होता है, उनकी ज़िद्द होती है बच्चों की फ्यूचर सिक्योर करने में और वो सब चीज़ें, तो इसे हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते, एक जर्नी है, ज़िद्द भी वही है कि किस चीज़ की ज़िद्द है तुम्हें, इट रियली डिपेंड्स ऑन ज़िद्द किस चीज़ की है। तो करियर की ज़िद्द है तो अगर ज़िद्द एकदम 100% सच्चा है तो रास्ता निकल ही जाता है, तुम कुछ ना कुछ करके वो रास्ता निकाल लेते हो, फिर आसपास के लोग भी बिलीव करने लगते हैं। तो ज़िद्द ऐसे पॉजिटिव है, और आप देखेंगे कि मेरे शो में मेरी मम्मा भी इनिशियली परेशान है मुझसे कि यार लड़की क्या कर रही है, जो मन में आ रहा है वो कर रही है, सो इट्स अ, बट देन इवेंचुअली शी ऑल्सो सीज हर डिटर्मिनेशन एंड हर यू नो मोटिवेशन टू डू समथिंग दैट शी रियली वॉन्ट्स टू डू। So it's a journey. Zid is a journey.
सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट नाउ. मैं मेकर्स से जानना चाहती हूँ, हमारे प्रोड्यूसर से जानना चाहती हूँ. आप लोग ने हक से किया है जो कि वेब सीरीज थी, एंड उसके बाद ही आपका पहला टेलीविजन शो होने वाला है. सो हर टीवी सीरियल की शुरुआत बहुत ऑसम होती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है कि एक लड़की है जो अंधी हो जाएगी और उसका मोटिवेशन और जर्नी दिखाया जाएगा, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वो सास बहू ड्रामा तो आ ही जाता है. सो क्या ये एक इनफाइनाइट सीरीज होने वाली है या इसे भी खींचने के लिए सास बहू वाली कॉन्सेप्ट और चीज़ें आएगी शो में, क्या होने वाला है? अब ये रेगुलर शो तो नहीं है, ये एक ऐसा शो है जो फ्रेशनेस के साथ आएगा, जो जी टीवी की फिलॉसफी है, आज लिखेंगे कल, ये उस यू नो उस फिलॉसफी को फॉलो करता है. बट बाकी शो के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में तो मैं अभी बताऊंगा नहीं कि बाद में क्या होने वाला है, आप देखिए और फिर वील टॉक. थैंक यू सो मच. ऑन दैट हैप्पी नोट, I'd like to call the remaining cast of the show and the creative team that has been a part of the entire journey to join us up on stage for the photo op. And I request all the visual media right at the back to come right at the front so that we can start the bites and the bathroom. Thank you, everybody. Thank you.